दोस्तों, क्या बाबर आजम ने एक बार फिर यारी दोस्ती को अपनी टीम में शामिल कर लिया है? यह सवाल पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पर उठने लगा है, लेकिन ऐसा क्यों? चलिए आपको बताते हैं। पाकिस्तान की टीम अनाउंस हो गई है आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए। टी20 सीरीज पाकिस्तान खेलेगी, जिसमें 18 खिलाड़ियों को जगह मिली है। 18 खिलाड़ी वो कौन कौन से हैं, पहले आप ये देखिए। बाबर आजम कप्तान है, अबरार अहमद, आजम खान, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, इरफान खान, नसीम शाह, सैम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान, शाहीन अफरीदी और उस्मान खान। यह पाकिस्तानी टीम 18 खिलाड़ियों की, और इन खिलाड़ियों को देखकर आपको लगेगा कि वाह क्या तगड़ी टीम है, और सही मायने में तगड़ी टीम है भी। लेकिन दो ऐसे खिलाड़ी को बाबर आजम ने शामिल किया है, जिनको यारी दोस्ती के नाते टीम में शामिल कर लिया गया है। एक है हसन अली और दूसरे हैं हारिस रऊफ, और इन दोनों के नामों को लेकर ही चर्चा हो रही है कि बाबर आजम ने सिर्फ यारी दोस्ती के नाम पर इन दोनों खिलाड़ियों को शामिल किया है, क्योंकि इनका प्रदर्शन उस लेवल का नहीं। हसन अली जो 2022 में कभी टी20 खेले थे, उन्हें टीम में जगह कैसे मिल सकती है? तो हारिस रऊफ लगातार अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे, और यानी दोस्ती के चलते हारिस रऊफ को बाबर आजम ने टीम में शामिल किया है। हालांकि उनकी जगह ओसामा मीर, जिनका PSL में प्रदर्शन शानदार रहा, उन्हें टीम में शामिल किया जा सकता था, लेकिन उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है। और मोहम्मद अली जैसे गेंदबाज को भी ड्रॉप कर दिया गया है। हालांकि बल्लेबाजी में आजम खान, सैम अय्यूब जैसे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, और गेंदबाजी में मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी जैसे धुरंधर भी हैं, जिसे पाकिस्तान की टीम मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन यारी दोस्ती बाबर आजम ने इस टीम में भी नहीं छोड़ी है, और इसी वजह से बाबर आजम को ट्रोल किया जा रहा है कि अभी भी बाबर आजम यारी दोस्ती को लेकर चल रहे हैं। अब देखते हैं कि हसन अली और हारिस रऊफ को जिस तरह शामिल किया गया है, क्या वो जब रोटेशन करेंगे और 18 में से प्लेइंग 11 पाकिस्तान टीम के क्या होने वाली है, किन्हें बाबर आजम मौका देंगे, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आपका क्या कहना है हसन अली और हारिस रऊफ को टीम में शामिल करने पर लेकर?